तो आज मुझे मिला है इंटरनेट पे कुछ एकदम वियर्ड वियर्ड हमारे फेवरेट गेम की ग्लिचेस, एंड मैंने सोचा है इन्हें तुम सबके सामने ट्राई करना चाहिए। ये हमारी फेवरेट गेम इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D, एज आई लाइक टू कॉल इट इंडियन GTA 5 मोबाइल गेम। तो जिन्हें नहीं पता, ये एक इंडियन मोबाइल गेम है जिसके अंदर तुम रैंडमली काफी सारे नंबर डाल के अनलिमिटेड चीट कोड्स बना सकते हो। एंड यस, आज हम उन्हीं चीट कोड्स का इस्तेमाल करके देखने वाले हैं बेहतरीन से कुछ ग्लिचेस। आ जाओ, एंड हियर वी आर, हम लोग आ चुके हैं अपने प्यारे से इस गेम में। एंड यस, आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले प्यारे से एक ग्लिच से। और इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक डायनो, मतलब कि डायनोसॉर। एंड यस, डायनो को बुलाने के लिए मुझे अपने मोबाइल में डालना पड़ेगा 5050 यह नंबर। अब आने वाला है डायनो। ओके, प्यारा सा डायनो आ चुका है, और हमें अपना जगह चेंज नहीं करना है, मुझे एक ही जगह में खड़ा रहना है। okay. आज हम डायनासोर से काम कराने वाले हैं, और उसके बाद मुझे यहाँ पे बुलाना पड़ेगा 1111 ये डायल करके एक साइकिल को। ओके, साइकिल आ चुका है। अब मुझे एक ही साथ में इनके ऊपर राइड करना है, और जैसे ही मैं राइड करूंगा मैं आ जाऊंगा हवे में। साइकिल पकड़ के कैसे लटक गया? हाँ, वो कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है वो? देखो उल्टा होके डायनो में जा रहा है। सो यस, आई थिंक ये एक नया ग्लिच हो चुका है, बट ये ग्लिच अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हमें थोड़ा पास आना है ऐसे करके उल्टा लटक के, और जैसे ही मैं एग्जिट वाले बटन पे दबाऊंगा, ये कैसे हो गया, ये नीचे कैसे गिर गया भाई? ये ग्लिच नहीं था, मैं दूसरा कुछ ग्लिच ट्राई कर रहा था, ये तो पूरी जमीन में घुस गया। ओके, हम लोग दोबारा से आ चुके हैं। आई थिंक इसके लिए मुझे वापस से फिर से ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक डायनो को बुला लिया, अब बुलाना पड़ेगा एक साइकिल को। 1111 आ चुका है साइकिल। अब मुझे इनके ऊपर राइड करना है, राइड करते एग्जिट करना है फिर से। यार ये तो कुछ गलत सीन हो रहा है, मैं तो हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं दोबारा से ट्राई करूंगा। ओके, वापस से आ चुके हैं साइकिल के ऊपर डायनो। यार धक्का लग गया भाई, धक्का नहीं लगना था। 5050। ओके, आराम से चलते हैं इनके पास, इनके ऊपर जाना है फिर एग्जिट करना है। एग्जिट कर। अरे उल्टा क्यों हो रहा है, एग्जिट करना। ये फ्रैंकलिन आज बेवड़ा हो चुका है क्या? ठीक है गाइस, अब मैं हार मान चुका हूँ ये वाले ग्लिच से। पता नहीं क्यों ये हो नहीं रहा है, इस ग्लिच में ही कुछ ग्लिच है जो इसीलिए नहीं हो रहा है। ओके ऑलराइट, अभी टाइम आ चुका है नेक्स्ट ग्लिच की तरफ बढ़ने के लिए। और नेक्स्ट ग्लिच को ग्लिच करने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए 8370 इसका है नंबर। ये नंबर डायल करने से आने वाला है बहुत बड़ी सी एक ऑटो रिक्शा, और मुझे इस ऑटो रिक्शा में बैठना है। व्हाट ए फीलिंग, ऑटो रिक्शा में मैं पहली बार बैठ तो नहीं रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ ऑटो रिक्शा को पहली बार। वाओ। ओके हेयर वी आर, हम लोग आ चुके हैं अपने जगह में। अब तुम्हें गन लेके एक NPC को मारना है, जैसे कि आगे से मुझे एक NPC दिख रहा है, मैं इसको मारने वाला हूँ। और जैसी पुलिस का गाड़ी तुम्हारे पीछे लगने वाला है तभी इस ऑटो में बैठना है, मतलब बैठ के तैयार रहना है, पुलिस कभी भी आ सकता है। पुलिस अभी भी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक पुलिस का गाड़ी आ रहा है, आगे से आ रहा है, वो जो काफी तेज आ रहा है। ओ भाई भाई भाई, तोड़ते हुए आ रहा है। ए, मुझे ठोक गया, मुझे ठोकने वाला था ये। अभी भागना पड़ेगा यहाँ से, भागो। जब तक ये स्टार नहीं हटने वाला है तब तक मुझे भागना है इस तरीके से। कितने सारे पुलिस का गाड़ी आ चुका है। ओके डन। अब मुझे बाहर निकलना है, अब मुझे इसका गाड़ी चोरी करना है। ऐसे ही मैं चोरी करूंगा इसका गाड़ी, चोरी करने के बाद मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकल के मुझे तुरंत और एक NPC को मारना है। मैं जैसे ही एक NPC को मारूंगा ना, कितने सारे पुलिस आ रहे हैं, कितने सारे पुलिस। ओ भाई, मैंने अपना इन्फिनिट हेड लगाना भूल गया था। अगर मैं इन्फिनिट हेड लगाता ना, कसम से इन सारे पुलिस के साथ मुझे फाइट करने का मौका मिलता। काफी मजेदार ग्लिच था ये तो। ऑलराइट, मैं अपने घर में फिर से जिंदा होके आ चुका हूँ, और मैंने उस वीडियो में एक घर वाला ग्लिच भी देखा था। ये जो TV दिख रहा हो ना, यहाँ पर TV के बगल में आना है, मुझे सीधा देखना है, और अपने हाथ में एक स्टिकी बॉम्ब लेना है, और मुझे ये जो बिस्तर और ये जो ड्रॉयर है इनके बीच में जो गैप है यहाँ पे बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब को लगाना है, काफी सारे, जितना तुम्हारा मन करे उतने सारे तुम लगा सकते हो। ऐसे करके लगाते जाना है। ओके ऑलराइट फाइन, आई थिंक ये इससे काम हो जाएगा। अब हाथ में एक रॉकेट लॉन्चर लेना है और इस बॉम्ब को फोड़ना है। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? वो भाई, घर के अंदर सूरज कैसे बन रहा है?
आई डोंट नो, पता नहीं ये कैसे हो रहा है, बट ये करने में काफी ज्यादा मजेदार है। आप लोग भी ट्राई करना। ऑलराइट, हम लोगों ने घर के अंदर सूरज बना दिया भाई, ज्यादा ही रोशनी हो चुका है घर के अंदर। अभी गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ग्लिच की तरफ, और ये वाला ग्लिच उनको ज्यादा पसंद आने वाला है जिनको रॉकेट्स पसंद हो और भाई जिनको गैलेक्सी वगैरह पसंद हो, क्योंकि इससे हम लोग पूरे गैलेक्सी में जाने वाला है। मतलब कि इस गेम से पुल बाहर आसमान फाड़ के बाहर निकलने वाला है। और इसके लिए चाहिए मुझे फायर ट्रक, और फायर ट्रक आने वाला है 606 ये डायल करके। और जैसे ही फायर ट्रक आने वाला है, मैंने वीडियो में देखा था फायर ट्रक उसने इस्तेमाल किया था, तो मैं भी फायर ट्रक यूज करने वाला हूँ। अब मुझे हाथ में इस तरीके से स्टिकी बॉम्ब को लेना है और ऐसे मारते जाना है। ओके, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, अंदर जाना है। यार ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ये आसमान फाड़ के क्यों नहीं जा रहा है यार? ये आसमान फाड़ के जाना चाहिए था। ये हर बार अपना पिछवाड़ा क्यों फाड़ रहा है? आसमान फाड़ मत इसको। नो प्रॉब्लम गाइस, हम लोग वापस से आ चुके हैं फिर से जिंदा होके अपने गेम में, और इस बार मुझे जाना पड़ेगा एयरपोर्ट में, क्योंकि ये वाला जो ग्लिच है इसको करने के बाद मैं फुल करने वाला हूँ टाइम ट्रेवल, और मुझे उसके लिए प्लेन को ठोकना नहीं था, प्लेन को चलाना था भाई। अब मुझे ये टाइम ट्रेवल करने के लिए मुझे इस प्लेन को चलाना पड़ेगा। ओके, अब मुझे इस प्लेन को ड्राइव करना है, मतलब कि आसमान की ऊंचाई में उड़ाना है बादलों को छूते हुए, जितना ऊपर हो सके। जब तक सूरज नहीं दिखाई देता तब तक जाना है मुझे इस तरीके से। ओके, ऑलराइट, काफी ऊंचा आ चुका हम लोग। अब मुझे सीधा नीचे जाना है, काफी तेजी से नीचे जाना है, काफी तेजी से नीचे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और तभी तुम ऊपर से गिरने वाले हो इस पुराने फ्रैंकलिन के घर में। अब कहीं जिन्हें नहीं पता है, ये इस गेम का सबसे पुराना घर है। What? वो भी फ्रैंकलिन का। मतलब कि मैं टाइम ट्रेवल करके पुराने घर में आ चुका हूँ, मतलब कि फ्रैंकलिन अपने पुराने लाइफ में वापस आ चुका है। ओके, अगला जो ग्लिच है ये काफी मजेदार है। ये वाला ग्लिच जिनको ज्यादा पसंद आने वाला है, जिनके रॉकेट्स ज्यादा पसंद हो, क्योंकि अभी हम लोग एक रॉकेट बनाने वाले हैं, और उसके लिए तुम्हें एक एनपीसी को ढूंढना है। अभी फिलहाल मेरे आगे ये एनपीसी दिख रहा है। अब तुम्हें इस एनपीसी के ऊपर ऐसे स्टिकी बम लगाना है। अरे रुक जाना, अब जितना हो सके उतना लगाओ इसे, मतलब स्टिकी बॉम्ब जितना मर्जी उतना लगा सकते हो तुम। थोड़ा नीचे भी लगा देता हूँ, नीचे भी लगाना जरूरी होता है, ऐसे करके। अब तुम्हें काफी दूर आना है, काफी दूर, काफी दूर, काफी दूर, इससे थोड़ा दूर आना है, एंड जितना ऊपर तुम देख सको उतना ऊपर तुम्हें देखना है इस तरीके से। और जैसे ही तुम दिखोगे अपना मोबाइल निकालना है और उस स्टिकी बॉम्ब को एक्टिवेट करना है। जैसे ही तुम एक्टिवेट करोगे, वो लेडी हवा में उड़ चुका था। वैसे मुझे ये स्लो मोशन में करना चाहिए था। वेट वेट वेट, मैं स्लो मो में करके दिखाता हूँ। ओके फाइन, और एक एनपीसी तैयार है, अब मुझे ऊपर देखना है। बूम, वो देखो कैसे जा रहा है ऊपर, जा रहा है, वो जगह चला गया, रॉकेट बन के चला गया ऊपर। That's it, और तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे ज्यादा। मेरा वाला अच्छे से नहीं हुआ, तुम भी अच्छे से ट्राई कर सकते हो, और भी ज्यादा स्टिकी बम लगाना और दूर से देखना, ये और भी ऊपर जाता है, और भी मजा आता है इसको देखने में, फुल दिवाली के पटाखे जैसा दिखने लगेगा। ओके, सो दिस ग्लिच वाज सक्सेसफुल। अभी हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट ग्लिच की तरफ, और ये वाला ग्लिच के लिए भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये वाला ग्लिच मुझे काफी पर्सनली अच्छा लगा है। और इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अपने फोन से 777 डायल करना है। जैसे तुम डायल करोगे तुम्हारे सामने एक बाइक आ जाएगा। ये कौन सा बाइक है वैसे, आप लोग बताना कमेंट में, और कौन से नए नए ग्लिचेस है वो भी मुझे बताना, मैं सारे ग्लिचेस ट्राई करने वाला हूँ। ओके, अब तुम्हें इस बाइक को ड्राइव करना है अपने फुल रफ्तार में, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से अपना गियर फुल खींच के रखो। बाइक जैसे ही फुल रफ्तार पकड़ने वाला है, तुम्हें बस इस बाइक को पीछे मोड़ना है, और पीछे मोड़ते ही ये क्या हुआ? लगता है ये ग्लिच अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुआ है। What? मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। बेटा तू सबसे पहले अपना हेलमेट उतार, क्योंकि मैं हेलमेट पहन के फोन नहीं चला पा रहा था। एंड यस, इसके लिए तुम्हें अपने गेम का मून ग्रेविटी ऑन के लेना है। अब तुम्हें ये वाले बाइक को गेम के अंदर लाना पड़ेगा, इसी बाइक से ये होता है, ये चीज तुम अच्छे से ध्यान देना, वरना ये नहीं होने वाला है। अब तुम्हें इस बाइक को ड्राइव करना है अपने रफ्तार में, जैसे मैंने बोला था, फुल ड्राइव करते जाओ, ड्राइव करते जाओ, कहीं पे रुकना नहीं है, ड्राइव करना सीधा। ओके, हियर वी गो, आई थिंक ये होने वाला है। ओके, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। वो जा रहे 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 आसमान की ऊंचाइयों में। तुम पूरे इस गैप से बाहर जाने वाले हो, आसमान फार के ऊपर जाने वाले हो।
ऐसे करते जाना है करते जाना है। लगता है मैं ऐसे करके चांद तक जाने वाला हूँ, और ऊपर जाएगा ये, मतलब लास्ट तक करते रहोगे तो ये फूल एकदम तूसा दिखेगा। सो यह दैट्स इट गाइस, ये था आज का लास्ट ग्लिच। कैसा लगा सारे ग्लिच मुझे बताना कमेंट पर, और भी नए नए कुछ ग्लिचेस होगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट पर, मैं सारे ग्लिचेस को ट्राई करने वाला हूँ। एंड गाइस मैं सारे गेम्स को खेल रहा हूँ, तो गाइस कौन सा गेम भी खेलना चाहिए नेक्स्ट वो भी मुझे बताना कमेंट पे। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखो ये अभी भी गिर रहा है, मतलब काफी नीचे तक जाने वाला है।